हेलो नमस्कार प्रधानमंत्री, में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। अतिथि शिक्षकों के पोर्टल को लेकर पोर्टल खुलवाने के संबंध में आदेश जारी किया गया है, ठीक है। अनुमति भी मिल चुकी है शिक्षा विभाग की ओर से कि अतिथि शिक्षकों को पोर्टल खोल के उनका नाम दर्ज किया जाएगा, और अतिथि शिक्षकों को जो मानदेय नहीं मिला है अक्टूबर नवम्बर दिसंबर तक का, उनको मानदेय भी दिया जाएगा और अतिथि शिक्षकों की ज्वाइनिंग की जाएगी पोर्टल के माध्यम से। तो शिक्षा विभाग की ओर से आदेश जारी कर दिया गया। तो मैं इसके संबंध में पूरी विस्तार से जानकारी देने वाला हूँ। वीडियो बने, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल ना से अपडेट पाने के लिए। ये अतिथि शिक्षक संघ जिला दमोह द्वारा आदेश जारी किया गया था, भेजा गया था, ठीक है। चंद्रशेखर हैं जिला अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं राघवेंद्र सिंह। प्रीति जो भेजी गई थी 25/1/2024 को, ठीक है। प्रीति श्रीमान विकासखंड शिक्षा अधिकारी महोदय दमोह को। विषय है अतिथि शिक्षकों की ज्वाइनिंग पोर्टल खुलवाने और मानदेय करवाने के संबंध में। महोदय, उपयुक्त विषयांतर्गत लेख है कि अक्टूबर माह से ज्वाइनिंग संबंधी पोर्टल बंद होने के कारण अक्टूबर नवंबर दिसंबर में रखे गए अतिथि शिक्षकों की ज्वाइनिंग पोर्टल पर नहीं हो सकी, जिससे मानदेय भुगतान नहीं हो पा रहा है। उपयुक्त माहों में रखे गए अतिथि शिक्षकों की निरंतर अपनी सेवाएं देते हुए समय सीमा में सिलेबस पूर्ण करवाने और परीक्षा की तैयारी करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाए जा रहे हैं, परंतु मानदेय भुगतान न होने के आर्थिक तंगी से जूझ रहे अतिथि शिक्षक परिवार का भरण पोषण का संकट बना हुआ है। अतः श्रीमान जी से विनम्र निवेदन है कि ज्वाइनिंग संबंधी पोर्टल खुलवाने एवं मानदेय भुगतान करवाने की कृपया करें। जिला अध्यक्ष सचिव चंद्रशेखर इमाम खाम और अतिथि शिक्षक संघ, इनके द्वारा पत्र लिखा गया था, भेजा गया था, ठीक है। तो वहाँ से पावती प्राप्त हो चुकी है शिक्षा विभाग की ओर से। बोला गया है जल्द ही पोर्टल खुलवाया जाएगा, अतिथि शिक्षकों की ज्वाइनिंग करवाई जाएगी, जो मानदेय बकाया है वो मानदेय दिया जाएगा, ठीक है। धन्यवाद।